हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुमीपा किचन। मैं शिल्पा सुमीपा किचन में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ वेज मेयोनीज सैंडविच, जो बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है। इसको आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो आइए, वेज मेयोनीज सैंडविच बनाने के लिए मैंने क्या क्या सामान यूज़ किया है मैं आपको बताती हूँ। वेज मेयोनीज सैंडविच बनाने के लिए मैंने एक बारीक कटी प्याज, एक बारीक कटी रेड शिमला मिर्च, एक बारीक कटी येलो शिमला मिर्च, एक बारीक कटी ग्रीन शिमला मिर्च, 2 बड़े चम्मच वेज मेयोनीज, आधी चम्मच मिक्स हर्ब, आधी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर और 4 व्हाइट ब्रेड लिए। आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम चारों ब्रेड के किनारों को कट करेंगे। अब जो बचे हुए ब्रेड के किनारे हैं, इनका यूज़ हम ब्रेड क्रम बनाने में कर सकते हैं। अब एक बाउल में हम बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई रेड शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च और ग्रीन शिमला मिर्च डालकर उसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम नमक, रेड चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब, काली मिर्च पाउडर डालकर मिक्स करेंगे। ये सब अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसमें हम वेज मेयोनीज डालकर मिक्स करेंगे। मेयोनीज की स्टफिंग तैयार है। अब हम एक ब्रेड स्लाइस लेंगे। इस ब्रेड स्लाइस के एक साइड हम मेयोनीज स्टफिंग को लगाएंगे। अब इस स्टफिंग के ऊपर एक ब्रेड स्लाइस रखेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा सैंडविच तैयार करेंगे। ये दोनों सैंडविच तैयार हैं। दोनों सैंडविच को हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको सैंडविच के आकार ट्रायंगल में काट लेंगे। वेज मेयोनीज सैंडविच कटकर तैयार है। अब इसको हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। अब वेज मेयोनीज सैंडविच को आप टमाटो केचप या मेयोनीज के साथ टेस्ट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर से हम कलरफुल शिमला मिर्च से इसको गार्निश करेंगे। इजी मेथड के साथ वेज मेयोनीज सैंडविच तैयार है। तो फिर कैसी लगी आपको वेज मेयोनीज सैंडविच की रेसिपी? यदि आप सभी को ये रेसिपी पसंद आती है तो आप देर मत कीजिए, इस रेसिपी को अपने हाथों से बनाइए, फैमिली, बच्चों और फ्रेंड को टेस्ट कराइए और मुझे बताइए कि आपके हाथ से ये रेसिपी कैसी बनी। यदि आप सभी को मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरी सारी रेसिपी आप सभी लोगों के पास आ जाएंगी और इसी तरीके से मैं नई नई रेसिपी आप सभी लोगों के लिए ला रही हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय।